अक्टूबर माह में कौन सी दो राशियां होंगी मालामाल? किन लोगों के धन भाव में पड़ चुकी है शनि की दृष्टि? किन लोगों के लाभ स्थान पर पड़ चुकी है शनि की दृष्टि? किन लोगों के धन धान्य में शनि करेंगे बढ़ोतरी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अक्टूबर माह में, जी हाँ, ये आने वाले इस महीने में वो कौन सी दो राशि है जिनके धन भाव में और जिसके लाभ भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि की दृष्टि के कारण उनके बैंक बैलेंस में गजब का मुनाफा या फिर कहें कि इजाफा होने वाला है, या फिर यूँ कहें कि अक्टूबर में वो दो कौन सी राशि हैं जिन पे शनि का आशीर्वाद उनके धन धान्य में बढ़ोतरी करने वाला है। आज हम मैंग जी से समझेंगे। मैंग जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि वो दो राशि आप पहले बाद में बताएगा, लेकिन शनि किस प्रकार व्यक्ति को धन धान्य बना देते हैं इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार सुना है शनि राजा को रंग और रंग से राजा बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाते। देखिए, शनि का प्रभाव जो है हमें साढ़े सती लगने से पहले कुछ महीनों पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, या अगर शनि की महादशा आ रही है तो कुछ समय पहले से ही हमारे पर असर आ जाएगा। मतलब लगने से पहले ही उसका सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। कोई ग्रह आपके कुंडली में, शनि आपके कुंडली में राशि परिवर्तन करने जा रहा है जी, जिस भाव में आने वाला है उससे कुछ महीने पहले ही फल देना लगता है। तो शनि जब धन स्थान को देखते हैं, लाभ स्थान को देखते हैं, लाभ स्थान में बैठे हों या पंचम स्थान में बैठे हैं तो भी लाभ को देखेंगे, भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भी लाभ को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। तो विशेष राजयोग बनता है, लाभकारी समय बनता है जी। यानी कि ऐसे समय पे, ऐसी स्थिति में शनि जो है आपको लाभ ही लाभ देते हैं, और जब शनि लाभ देते हैं तो आपको पता है कि लाभ छोटा नहीं होता है, वो लाभ बहुत बड़ा होता है। अब आप बड़ा इस तरीके से समझिए कि अगर आप कोई एक ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं और आपकी मासिक आय सपोज 2 से 3 लाख रुपये महीना है, और शनि की शुभ दृष्टि इसके ऊपर आ गई है आपकी कुंडली में, या शनि शुभ स्थान पर आ गया है, शनि धन स्थान को देख रहा है, शनि लाभ स्थान को देख रहा है, या शनि भाग्य को देख रहा है, तो यकीन मानिए आपकी सेल जो है 2 गुनी 3 गुनी भी हो सकती है। और जब तक शनि की वहाँ दृष्टि रहेगी तब तक ये सेल आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप भी एकदम से हैरान हो जाएंगे कि मेरा काम अचानक से एकदम से चलना कैसे लग गया है जी। ऐसे ही शनि की दृष्टि जब 6ठे भाव में 8वें या 12वें भाव में रहती है कविता जी, तो बैठे बिठाए काम में एकदम से मंदी आ जाती है। व्यक्ति कितना ही ऐड कर ले, कितना ही प्रचार कर ले, कुछ भी कर ले, बहुत ईमानदारी से चले, तो भी उसके काम में वो गति नहीं आती है और बिजनेस जो है धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। वो देखता है कि मेरे बराबर वाले स्टोर में लोगों की भीड़ जा रही है और मेरे यहाँ जो है लोग यहाँ से हट के दूसरी दुकान पर जाने लगे हैं। तो ये शनिदेव का प्रभाव होता है, तुरंत दिख जाता है, तुरंत एकदम असर दिखता है। बिल्कुल, और देखिए ना, कहते हैं कि लोग रातों रात करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, कब भिखारी भी राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है, ये सब एक ग्रह नक्षत्रों का ही खेल होता है। माने न माने ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जिंदगी को प्रभावित जरूर करते हैं, और इन्हीं के प्रभाव के चलते आइए अब आपका बिना वक्त गवाए जान लेते हैं वो दो कौन सी राशि है। मयंक जी, पहली राशि कौन सी है? देखिए, पहली राशि आती है मिथुन राशि जी। मिथुन राशि वालों की जो उस समय ग्रह स्थिति रहेगी, यानी शनि इनके दूसरे भाव को देखेंगे और गुरु भी दूसरे भाव को देखेंगे। देखिए, जब तक यहाँ शनि अकेले थे तब तक शुभ नहीं थे जी। लेकिन गुरु की दृष्टि में गुरु और शनि एक साथ होकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, और शनि गुरु की वहाँ उचित दृष्टि पड़ गई है और शनि की दृष्टि पड़ गई है धन स्थान पर। तो यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है ये धन धान्य की वृद्धि के संकेत दे रहा है, आय के नए स्रोत बढ़ेंगे और पुराने सोर्स से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। अब आप ये देखिए कि मिथुन राशि वाले अगर व्यापारी हैं तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि बिजनेस है, ऑब्वियसली उनको काफ़ी फायदा मिलेगा जी। नए काम की शुरुआत भी होगी, बिजनेस भी बढ़ेगा और धन लाभ भी होगा, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। लेकिन जो मिथुन राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी, उनको भी कोई न्यू प्रपोजल्स मिल सकते हैं, नई नौकरी का योग बन सकता है, नई नौकरी विद प्रमोशन है इंक्रीमेंट मिल सकती है, या फिर आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको प्रमोट किया जाएगा, आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, तो ये आपको लाभ अपने लेवल पे मिलेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं सर मैं तो कोई छोटी मोटी दुकान चलाता हूँ, मेरे को तो इतना लाभ नहीं हुआ। देखिए, ज्योतिष ये कहता है कि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर एक कोई व्यक्ति जूस का ठेला भी लगाता है या छोले भटूरे की ठेली लगा रहा है, अगर उसके भी मिथुन राशि है तो उसको उस महीने में जब तक शनि की दृष्टि रहेगी अपने स्तर पर, अगर वो व्यक्ति पर मंथ में 20-25 हज़ार कमा रहा है
तो वो उसकी सेल 10-15% 30% 50% तक बढ़ जाएगी। यानी वो देखेगा अगले महीने से या कुछ दिनों से मेरी सेल जो है अभी 20-25 हज़ार कर रहा था तो 35-40 हज़ार तक बढ़ गई। यानी कि जो काम कर रहा है उसको उसी लेवल पे ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको 10 करोड़ की सेल जो हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात समझिए, जो लोग इंडस्ट्रीस्ट हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, जिनका बिजनेस करोड़ों में अरबों में है, तो उन लोगों को मोटा लाभ मिलेगा, इनको करोड़ों अरबों में लाभ मिलेगा। हर किसी को अपने अकॉर्डिंग जिस लेवल पे उनका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग। ये समझने की बात है दर्शकों को, तो लाभ आपको उसी स्तर पर मिलेगा जिस स्तर पर आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन लाभ निश्चित मिलेगा ये तय है। ये शनि और गुरु की स्थिति बता रही है। तो मिथुन राशि वालों को तो मतलब की कुल मिलाकर हर तरीके से उनके लिए आनंद का ही समय रहेगा, यात्राएं अच्छी रहेंगी और लाभ भी होगा, आप खर्च भी करेंगे, आमदनी भी बढ़ेगी, घर परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का मित्रों का सहयोग इस समय मिलेगा। इस समय आपकी सेविंग भी हो जाएगी, जो पिछले कुछ समय से अगर नहीं हो रही थी तो सेविंग के लिए भी बहुत बढ़िया। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, चाहे लाख रुपए का है या लाखों का है, तो वो भी इस अवधि में आप धीरे धीरे उतार लेंगे, आपको सोर्स मिल जाएगा कि जहाँ से पैसा आना है। कहीं इन्वेस्ट करना है आपको, जैसे कि प्रॉपर्टी में निवेश करना है, आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, तो उस जगह अगर आप पैसा लगाएंगे, धन का निवेश सही जगह करेंगे, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। देखिए, जब धन आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो मन अपने आप खुश रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हर जगह आपकी वाह वाह होगी और ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो मयंक जी ने पहली राशि मिथुन राशि वालों के बारे में बताया, और अब मयंक जी दूसरी राशि वो कौन सी है? देखिए, दूसरी वो सबसे भाग्यशाली राशि है मेरे हिसाब से, वो है मीन राशि। क्योंकि मीन राशि वालों की कविता जी देखें तो मकर राशि में, यानी कि 11वें भाव में गुरु और शनि की युति रहेगी, बहुत ही लाभकारी ये रहता है। ज्योतिष में एक चीज़ कही, 11वें भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठा हो तो वो लाभ ही लाभ देता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है। इसलिए वहाँ पर कोई भी ग्रह बैठ के अशुभ फल नहीं देता, वहाँ जितने ग्रह होंगे उतना बड़ा लाभ होगा। देखिए, गुरु वहाँ बैठे हैं, लाभ के कारक हैं ज्योतिष में गुरु, और शनि धन के कारक हैं, नौकरी व्यवसाय के कारक है, मान सम्मान के कारक है, तो शनि गुरु की युति यहाँ आपको अचानक से धन लाभ देगी। ये लाभ आपको विदेशों से भी मिलेगा, आपकी ख्याति दूर दराज तक फैलेगी। यानी कि अगर अभी आपको केवल आपके शहर तक ही लोग जानते थे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके प्रदेश में लोग जाने या पूरे देश में लोग आपको जान जाएं, ऐसा आपका काम हो सकता है आने वाले समय में। मान सम्मान की वृद्धि होगी, संतान सुख की वृद्धि होगी घर में, घर में नई संतान का आगमन हो सकता है, और संतान के इस समय विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं अगर आपकी संतान विवाह योग्य है। अगर आपकी संतान की नौकरी में कोई परेशानी थी या नौकरी नहीं लगी थी, तो यकीन मानिए उनको इस समय नौकरी भी मिल जाएगी। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, धन धान्य बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नौकरी व्यवसाय में अच्छी तरक्की होगी। जैसे मिथुन राशि हमने बताया कि बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा, वैसे ही अपने लेवल के अकॉर्डिंग मीन राशि वालों का भी बिजनेस में आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा और काफी अच्छा आपके लिए ये फायदेमंद समय रहेगा। तो देखिए, ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि भाई किस प्रकार से अक्टूबर माह में जब शनि इनके लाभ स्थान को देख रहे हैं और शनि इनके धन स्थान पे भी अपनी दृष्टि जमा रहे हैं, तो किस तरह से मिथुन राशि वाले लोग और दूसरी तरफ जो मीन राशि वाले लोग हैं, इन लोगों के बैंक बैलेंस में गजब का इजाफा होने वाला है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। मयंक जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, व्हाट्सअप नंबर के जरिए, स्क्रीन पर जो ये नंबर है इसके जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कीजिएगा। तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।